गाइज आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 यूरोप एंड इंडिया की शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम लोग। सो कम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। अभी मॉडर्न पीरियड की शुरुआत में, मॉडर्न पीरियड में यूरोप, मतलब अभी यहाँ पर हम लोग यूरोप और इंडिया दोनों का किस तरह हिस्ट्री होता था, दोनों का क्या रिलेशन होता था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इसलिए बोला गया है क्योंकि ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, इस वजह से मॉडर्न बोला गया है। ओके तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोगों को यूरोप में जो हैपनिंग्स हो रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी यूरोप में, जो इवेंट्स हो रहे थे, उसे भी पढ़ना ज़रूरी है हम लोगों का। और जो भी यूरोप में हो रहा था उसका एक इम्पैक्ट हो रहा था इंडिया में, मतलब उसका असर पड़ रहा था इंडिया में, इसीलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम लोगों को जो भी इवेंट्स, जो भी घटनाएं यूरोप में हो रही थी इस पीरियड में, वो भी हम लोगों को पढ़नी होगी। ओके और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यूरोप और यूरोप में एकदम वेस्टर्न हिस्ट्री है यूरोप की, तो वो पढ़ने के लिए वो एक नई चीज़ है। अब तक हम लोग सिर्फ इंडिया की जो किंग राजा महाराजाओं की जो हिस्ट्री होती है वही पढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम लोग यूरोप की हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं। ओके तो चलिए ये तो मैंने अभी पढ़ लिया ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, मैं आपको एक रीड करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग्स इन यूरोप हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अभी मैंने आपको ये पूरा जो है ये पैराग्राफ ये हिंदी में बताया था, अभी मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. Okay? चलिए पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, which is period of Renaissance. तो यहाँ पर पहला टॉपिक है period of Renaissance. तो ये Renaissance क्या होता है? History, यूरोप की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए यूरोप की हिस्ट्री में जब 13th टू 16th सेंचुरी का जो समय था उसे बोला जाता है रिनाइजेंस पीरियड, मतलब आखिरी का समय है मीडिवियल हिस्ट्री का, आखिरी का समय 13th टू 16th सेंचुरी, उसे हम लोग पीरियड ऑफ रिनाइजेंस बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, ओके इस पीरियड के चलते अलग अलग चीज़ों का जो चीज़ें बनी हुई थी उसका फिर से फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब अपडेट बोलते हैं ना हम लोग कोई चीज़ों को अपडेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सेलफ़ोन बोल दो, आपका मोबाइल बोल दो, कुछ समय मतलब बहुत समय बाद आपके मोबाइल को भी अपडेट करना पड़ता है आपको। तो इस तरह मीडिवियल हिस्ट्री का भी रिफॉर्मेशन, मीडिवियल हिस्ट्री का भी अपडेट हो रहा था मॉडर्न पीरियड में। ओके और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिफॉर्म मतलब फिर से बनाना, मूवमेंट मतलब किसी चीज़ के खिलाफ स्टैंड लेना। ओके तो वो मूवमेंट, तो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट मतलब वो टाइम पे धर्मों में अलग अलग तरीके के रूल्स होते थे जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे, जो कुछ ऐसे होते थे जो कि बहुत हार्मफुल होते थे लोगों के लिए, फिर भी उनको ज़बरदस्ती फॉलो करना पड़ता था। तो इसलिए रिलीजन के अंदर जो जो रूल्स होते हैं वो जो सही नहीं है, जो हार्मफुल है, उसको वापस से अपडेट करना, रिलीजन को भी अपडेट करना। और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ मतलब देशों में कोई नए देश बन गए। ओके डिस्कवरी हो रही थी, नए नए देशों की डिस्कवरी होती जा रही थी। ओके तो लेट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा, तो मतलब मॉडर्न एरा में, मॉडर्न पीरियड में ये सब नई नई चीज़ें होने लगी, जो जो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिफॉर्मेशन एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ये सब नई नई चीज़ें होने लगी मॉडर्न पीरियड में। तो हैंस दिस पीरियड, इस पीरियड को इसलिए एज ऑफ रिनाइजेंस भी बोला जाता है, मतलब मीडिवल हिस्ट्री का आखिरी हिस्सा। ओके एज ऑफ रिनाइजेंस। अभी
इस पीरियड के चलते इस समय में फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी एट्सेट्रा, मतलब आर्ट, आर्ट आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है, मतलब किसी कंस्ट्रक्शन, ओके, कंस्ट्रक्शन, फिलोसफी सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट, इन सब चीज़ों में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, ओके, मतलब ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन से वो टाइम, अच्छा हाँ याद आ गया मुझे, समझ में, मतलब इसका ये मतलब होता है कि ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन में, मतलब वो टाइम पे यूरोप में हर तरफ ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन की तरह डेवलपमेंट हो रहा था फिलोसॉफी, आर्किटेक्चर और आर्ट में, मतलब बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका एकदम अलग होता था रोमन और ग्रीक ट्रेडिशन में, ओके। आपने देखा होगा मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन, वो भी रोमन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड है, ओके। तो वो रोमन ट्रेडिशन में जिस तरह आर्किटेक्चर होता था उसी तरह वो भी बनाया गया था। तो ये इस तरह ना ही, ना कि यूरोप में बल्कि दूसरी देश, दूसरे जगहों पर भी फील्ड ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर और फिलोसॉफी रोमन और ग्रीक ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड होके डेवलपमेंट हो रहा था, ओके। अभी रिनाइजेंस के समय में ह्यूमैनिटरिज्म, मतलब इंसानियत को महत्व, इम्पोर्टेंस, इम्पैचस दिया गया, ओके। वहाँ पर देर वॉज अ चेंज इन द आउटलुक, मतलब उस समय मॉडर्न एरा में इंसानों का एक दूसरे से बर्ताव करने का जो तरीका था वो बदल गया, ओके, और हर एक को इंसान की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था, बर्ताव किया जा रहा था, ओके। धर्म के जगह पर मैन बिकेम सेंटर, मतलब इंसान, इंसान ही सब कुछ डेवलपमेंट करते जा रहा था, तय करते जा रहा था, सब कुछ डिसीजंस लेते जा रहा था। नहीं तो वो टाइम पे सब कुछ धर्मों के अनुसार होता था, लेकिन यूरोप में ऐसा शुरू हो गया तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। तो धर्मों के जगह पर ज़्यादातर इंसानों द्वारा ही डिसीजंस लिए जाते थे, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप सभी को इस सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया होगा ना, इंस्टेड ऑफ रिलीजन मैन बिकेम सेंटर ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ आइडियोलॉजीज, मतलब धर्म के जगह पर इंसान ही सब कुछ करते जा रहा था, डेवलपमेंट कर रहा था, ओके। चलिए, द रिफॉर्म मूवमेंट, ओके, तो द रिफॉर्म मूवमेंट, अभी हम लोग ये वाला पूरा पढ़ने वाले हैं और फिर लास्ट में मैं आपको इंग्लिश में भी रीड करके दे दूंगा, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ओके। रिफॉर्म मूवमेंट जो मैंने अभी आपको बताया, हर सारी चीज़ों में अपडेट होने लगा। वो टाइम पे जितनी भी चीज़ें थी मीडिवल हिस्ट्री की, उसके बाद मॉडर्न जब टाइम आया, मतलब मॉडर्न एरा जब शुरू हुआ, तो उसमें डेवलपमेंट होने लगा। जो भी चीज़ें मीडिवल हिस्ट्री में लोग यूज़ करते थे उसी को डेवलप करके, और डेवलप करके उसको अपडेट करके यूज़ करने लगे मॉडर्न एरा में। तो जो रिफॉर्म मूवमेंट था वो हर तरफ फैलने लगा, नॉलेज के ज़रिए, साइंस, और साथ ही साथ आर्ट, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आर्ट, मतलब अलग अलग तरीके से वो हर जगह रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब सारी चीज़ों को अपडेट करने की जो ये मूवमेंट था, ये जो डिसीजन था, वो हर तरफ फैलने लगा। और वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरीज ऑफ रिफॉर्म रिफॉर्म मूवमेंट, और हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि उस समय लोगों ने नई नई डिस्कवरीज करते जा रहे थे रिफॉर्म मूवमेंट में। रिफॉर्म मूवमेंट के चलते नई नई चीज़ों का आविष्कार होते जा रहा था, डिस्कवरीज, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन होते जा रहा था, ओके। द आर्ट एंड लिटरेचर, ये देखिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ रिनाइजेंस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके। आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट का क्या मतलब होता है, ड्राइंग या कला, ओके, कला, ड्राइंग, और साथ ही साथ जो दूसरी कलाएं होती है, टैलेंट, उसको हम लोग आर्ट बोलते हैं, और लिटरेचर मतलब लैंग्वेज, ओके, लिटरेचर। तो रिनाइजेंस के पीरियड में आर्ट और लिटरेचर जो था वो ह्यूमन बीइंग का इमोशंस को डिपिक्ट कर रहा था,
ह्यूमन इंसानों का इमोशंस, इंसानों की फीलिंग्स को दर्शा रहा था, डिस्क्राइब कर रहा था, बता रहा था. ओके, लिटरेचर जो था वो प्रोड्यूस किया गया था लोकल लैंग्वेज में अच्छी तरह से समझने के लिए कॉमन लोगों के लिए, क्योंकि हर तरफ अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता था. तो लिटरेचर अलग अलग भाषाओं में डेवलप हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ताकि उस पर्टिकुलर जगह के जो लोग हैं अलग लैंग्वेज के, उनको भी समझ में आए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए. सन 1450 में 1450 में जॉन्स गुटेनबर्ग, जो कि जर्मनी के एक जर्मनी के एक रहने वाले थे, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, मतलब जो प्रिंटिंग मशीन होती है, उसका आविष्कार किया, उसको बनाया. और इस डिस्कवरी से, इस आविष्कार से नई नई आइडियाज़, नए नए कॉन्सेप्ट्स और नॉलेज, मतलब नई नई आइडियाज़ लोगों के तरफ, हर तरफ पहुंचने लगी सोसाइटी में. ओके, नॉलेज पहुंचने लगा कि डेवलपमेंट का हर तरफ पहुंचने लगा. ओके, तो अभी मैं आपको पूरा ये रीड करके बताता हूँ रिनाइजेंस पीरियड का अच्छी तरह से. इन हिस्ट्री ऑफ यूरोप द लास्ट फेज ऑफ मीडिवल पीरियड, दैट इज 13th to 16th century, इज नोन एज द पीरियड ऑफ रिनाइजेंस. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफॉर्मेशन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा. Hence, this period is also known as the Age of Renaissance. That's it. Next paragraph. During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development. Okay? During the Renaissance, humanitarianism, okay, humanitarianism was given great impetus. There was a change in the outlook of treating each other as a human being. Instead of religion, man became center point of all ideologies. The reform movement spread throughout all sectors of human life through knowledge, science, as well as different sections of art. We can observe the discoveries of reform movement. The art and literature of Renaissance period depict sentiments and emotions of human being. Literature was produced in local language for better understanding to the common people. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. Due to this discovery, new ideas, concepts and knowledge reached to all sections of society. Okay, so ye ho gaya hamara पीरियड ऑफ रिनाइजेंस. अभी हम लोग पढ़ते हैं रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. अभी हम लोगों ने पीरियड ऑफ रिनाइजेंस में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब धर्मों में किस तरह अपडेट होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा वो. और ऐसा ही नहीं हुआ, लोगों ने स्टैंड लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दिस इज़ हार्मफुल. तो ये लोगों ने स्टैंड लिया, धर्मों में जो हार्मफुल चीज़ें होने हो रही थी उसके खिलाफ लोगों ने स्टैंड लिया. तो वो मूवमेंट, वो स्टैंड के उस स्टैंड में क्या था, वो लोग मूवमेंट में क्या हुआ, चलिए पढ़ते हैं. ओके, इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स जो थे, एक सेकेंड. ओके, इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स का क्या मतलब होता है, मतलब खुले दिमाग के लोग, मतलब ओपन माइंडेड पीपल. उन लोगों ने, मतलब जो एकदम ओपन माइंडेड होते हैं ना कि क्या धर्म क्या, भगवान क्या, चलो. तो उन लोगों ने, ऐसे टाइप के लोगों ने ओल्ड रिलीजियस कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्च, मतलब चर्चेस, जो ओल्ड रिलीजियस पुरानी चर्चेस होती हैं, उन पर उन लोगों ने अटैक कर दिया, उन टाइप के लोगों ने हमला कर दिया. और इसी बहाने, मतलब इस हैपनिंग का, इस घटना का अवसर लेते हुए, एडवांटेज लेते हुए, फ़ायदा उठाते हुए, जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, मतलब जो पंडित, क्रिश्चियन पंडित होते हैं ना, फादर, जो चर्च में एज अ प्रीस्ट काम करते हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट, जो पंडित, उन लोगों ने इसका फ़ायदा उठा दिया, इस अटैक का, इस हमले का. और उन लोगों ने, जो लोग चर्च में लोग थे, वो लोग इधर उधर भागने लगे, अफरा तफरी मच गई, हड़कंप मच गया. तो जो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे और लोगों को इग्नोर करने लगे, लोगों का फ़ायदा उठाने लगे. और वो बिज़ी, मतलब इतना बड़ा हमला हो गया, फिर भी वो लोग अननेसेसरी रिचुअल्स में, मतलब बेफालतू
मतलब जो रिचुअल्स, जो ट्रेडिशन, जो पूजा पाठ सही नहीं है, मतलब अननेसेसरी होता है ना, अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो कर रहे थे। ओके, अंधविश्वास, तो जो ज़रूरत नहीं थी वो कर ही रहे थे और लोगों को इग्नोर कर रहे थे जो लोग तकलीफ़ में हैं। और फिर जो ओपन माइंडेड, जो बता रहा हूँ, इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स, उन लोगों ने, लुटेरों ने लोगों को लूट लिया धर्म के नाम पर। ओके, मतलब चर्च के अंदर घुस के लोगों को लूट लिया। और ये मूवमेंट, फिर यहाँ से लोगों के अंदर क्रोध आ गया और फिर एक मूवमेंट बन गया जिसका नाम आया रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। मतलब ये जो धर्म में हो रहा है इसको फिर से अपडेट करो, ये सब नहीं होना चाहिए। ओके, और इस मूवमेंट के चलते ह्यूमन फ्रीडम, मतलब इंसान की, लोगों की आज़ादी, स्वतंत्रता, मतलब वो टाइम पे लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे क्योंकि राजा महाराजाओं का रूल होता था, तो लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, लोगों के ऊपर रूल लगा दिया जाता था। तो ह्यूमन फ्रीडम और रैशनलिज्म, मतलब ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों के बीच में रैशनलिज्म होता था, रेसिज्म, मतलब इनइक्वालिटी। तो इस मूवमेंट के चलते ह्यूमन फ्रीडम मूवमेंट और रैशनलिज्म मूवमेंट को भी इम्पॉर्टेंस मिला, मतलब चिंगारी मिल गई इन मूवमेंट्स को भी आग फैलने के लिए। ओके, चलिए अब मैं आपको इसको रीड करके दिखाता हूँ। द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स अटैक्ड द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज, मतलब अपने दिमाग के, अपना खुद का आइडियोलॉजी, मतलब खुद का रूल बनाना, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च का बना, लोगों ने बना दिया था अपना। तो द क्रिश्चियन प्रीस्ट्स वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वर इंडल्ज्ड इन अननेसेसरी रिचुअल्स, बिजी हो गए थे अपने ही अननेसेसरी रिचुअल्स में जो कि ज़रूरत नहीं थी। देन दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज़ नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म गेन्ड मोर इम्पॉर्टेंस। ओके, इस मूवमेंट के चलते ह्यूमन फ्रीडम मूवमेंट और रैशनलिज्म मूवमेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिला। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, मतलब अभी मैंने आपको पीरियड ऑफ रेनाइजेंस में बताया था कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज भी होने लगी, नए चीज़ें बनने लगी, रूट्स, रास्ते बनने लगे, ब्रिजेस बनने लगे। ओके, तो 1453 ईयर में ओटोमान टर्क्स, मतलब टर्की के लोगों ने कॉन्स्टेंटिनोपल, एक जगह है जिसको आज इस्तानबुल बोला जाता है, जो कि आज टर्की में ही है, उस समय 1453 ईयर में वो इस्तानबुल जो शहर है वो टर्की का हिस्सा नहीं था, जो कि बिजंतिन एम्पायर का कैपिटल था, राजधानी थी बिजंतिन एम्पायर की। ओके, बिजंतिन राज्य, एक राज्य था बिजंतिन। ओके, तो ओवरलैंड ट्रेड रूट्स, मतलब जो ज़मीनी रूट्स, ट्रेड रूट्स, मतलब वो टाइम पे जब भी बिजनेस होता था एशिया और यूरोप के बीच में, तो एशिया से यूरोप के लिए जाने के लिए यही देश के ज़रिए उनको जाना पड़ता था। मतलब एशिया के लोगों को अगर यूरोप जाना है ट्रेडिंग करने के लिए तो वो लोग इसी रास्ते से जाते थे, और अगर यूरोप को एशिया आना था तो वो लोग भी इसी रास्ते से आते थे, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो इस सिटी से, मतलब इस्तानबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल सिटी से वो ट्रेड रूट निकलता था। तो जब टर्की के लोगों ने इस रूट को बंद कर दिया, एक सेकेंड, इस रास्ते को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तब एक दूसरा रास्ता खोजने की ज़रूरत थी। ओके, नीड थी दूसरे अल्टरनेटिव, मतलब उसके अलावा दूसरा भी एक ट्रेड रूट फाइंड करने की ज़रूरत थी, खोजने की ज़रूरत थी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए जो कि एशिया ट्रेडिंग करने के लिए आते थे। ओके, एक अलग रास्ता बनाने की ज़रूरत थी यूरोपियन लोगों के लिए जो कि एशिया व्यापार करने के लिए आते थे। तो इससे दूसरी ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ होना शुरू हुई। ओके, मतलब दूसरा रास्ता बनाया उन लोगों ने, तो इससे दूसरे लोगों के दिमाग में आया कि हमको इधर भी रास्ता बनाना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे करते करते ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ होने लगी।
चलिए मैं अभी आपको रीड करके बता देता हूँ। इन 1453 AD द ओटोमन टर्क्स कॉन्क्वर्ड कंस्टेंटिनोपल इस्तानबुल विच वॉज द कैपिटल ऑफ बिजेंटाइन एम्पायर। द ओवरलैंड ट्रेड रूट्स जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू द सिटी। सिंस द टर्क्स ब्लॉक्ड द रूट देर वॉज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया। दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। ओके, यहीं से शुरू होती है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। नेक्स्ट, वेल यहाँ पे ये थोड़ी इम्पॉर्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ज्योग्राफिकल इंटर डिस्कवरीज का। यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो 15th century के चलते यूरोपियन सेलर्स, मतलब जो कि 15th century के चलते, तो 15th century में जब यूरोपियन सेलर्स जो कि समुद्री रास्ते से भारत की खोज में निकले थे, वो देखिए यहाँ पे जो भारत की खोज में निकले थे 15th century में, उनके नाम बताए गए हैं। ओके, चलिए फर्स्ट वन इज़ 1487 AD में बार्तोलोम्यू दियास, एक पोर्चुगेज सेलर थे, जो कि पोर्चुगल एक देश है, वहाँ का एक सेलर था, जो कि समुद्री रास्ते से उसने भारत की सर्च करने के लिए, मतलब भारत की खोज में निकल पड़ा, लेकिन वो गलती से अफ्रीका पहुंच गया, अफ्रीका के तट पे पहुंच गया। उसके बाद केप ऑफ गुड होप उस जगह को नाम दिया गया। ओके, साउथ अफ्रीका में है ये जगह, केप ऑफ गुड होप, गलती से वो अफ्रीका पहुंच गया। दूसरा, इन 1492 AD क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि अपनी जर्नी पे निकल पड़ा था भारत की खोज में, लेकिन वो गलती से ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका पहुँच गया। वो मतलब वो ईस्ट के लिए निकला था, लेकिन वो पहुँच गया अमेरिका की ईस्ट साइड में। ओके, और नेक्स्ट है, इन 1498 AD पोर्चुगीज सेलर वास्को डगामा मैनेज टू सेल पास द, और वास्को डगामा आखिरकार 1498, जो कि पोर्चुगल का एक सेलर था, वो आखिरकार केप ऑफ गुड होप के ज़रिए थोड़ा और आगे निकल के वो भारत के कोस्ट पे पहुंच गया, जो कि कैलीकट नाम की जगह पर पहुंच गया। ओके, तो ये एक ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज़ है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। अभी इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन क्या होता है? वेल, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो टाइम पे, ये देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ओके, सो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन यूरोप में, इंटेलेक्चुअल का मैंने आपको बताया कि लोगों का माइंड सेट, इंटेलेक्चुअल मतलब लोगों की अलग अलग विचारधारा। ओके, मतलब लोगों का हर एक इंसान का सोचने का अलग तरीका होता है, तो उसका रिवॉल्यूशन मतलब उसके लिए स्टैंड कैसे लिया। मतलब अभी देखिए, भारत में उस समय अंधविश्वास होता था, मतलब ये लोगों का माइंडसेट होता था कि ऐसे होगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अशुभ हो जाएगा, तो ये सब क्या है, ये सब इंटेलेक्चुअल है, मतलब दिमाग का अलग सोचने का तरीका है। ओके, तो असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये सब अंधविश्वास है, मतलब विश्वास न करने वाली चीज़ें हैं। ओके, तो इंटेलेक्चुअल मतलब ये सब चीज़ें यूरोप में भी होती थी, मगर ये नहीं कि बिल्ली का रास्ता काटने के बाद ऐसा हो जाएगा। कुछ अलग तरीके के अंधविश्वास होता था यूरोप में। ओके, सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसा सब होता था। तो यूरोप इसके खिलाफ कैसे खड़ा हुआ, वो अभी इसमें आपको पता चलेगा। तो फिर जब रिनाइजेंस पीरियड के चलते बहुत सारे चेंजेस हुए यूरोप में, तब यूरोप मीडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न एज में आ गया। ओके, जो कॉन्टिनेंट जो जगह सबसे पहले मॉडर्न पीरियड में आई थी वो थी यूरोप। तो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन जो था उसी समय में आया, मतलब ये अंधविश्वास के खिलाफ लोग रिनाइजेंस के पीरियड में खड़े होने शुरू हो गए। तो सोसाइटी जो थी वो टाइम पे, सोसाइटी जो थी, मतलब जो लोग थे, वो अंधविश्वास से बाहर निकल के जो इतिहास में हो गया, पहले हो गया, पास्ट में जो कुछ भी हो गया, उसको इग्नोर करके लोग ब्लाइंड फेथ, मतलब अंधविश्वास, ब्लाइंड मतलब अंधा, फेथ मतलब विश्वास, अंधविश्वास से बाहर निकले, और जो भी प्री एस्टैब्लिश्ड, मतलब जो
सही से कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं किया गया, मतलब जो जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सही से बनाए नहीं गए, उनको फिर से प्री इस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब ट्रेडिशन, कस्टम, संस्कृति, रिवाज बोलते हैं ना हम लोग, यहाँ का रिवाज है कि ऐसा ऐसा होता है यहाँ पर, तो वो जो भी प्री इस्टेब्लिश्ड, मतलब जो भी ढंग से इस्टेब्लिश नहीं किए गए थे, आधे अधूरे इस्टेब्लिश करके छोड़ दिए गए थे, वापस से उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के सामने लाया और उनको इस्टेब्लिश किया। ओके, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के सामने लाया मतलब वापस से उसको डिस्कस किया गया, चार पांच लोग एक साथ बैठ के अंधविश्वास जो भी होता था यूरोप में, तो उनको उन सारी जो विचारधाराएं थी, जो भी सोचने मतलब जो भी लोगों का अंधविश्वास होता था, रिवाज होता था, उन सबको डिस्कस करते थे कि ये सही है तो रखो, अगर ये हार्मफुल है और अगर ये अननेसेसरी है तो इसको कट कर दो, इसको निकाल दो। ओके, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस में से निकाल दो, रिवाजों में से निकाल दो। तो ये सारे चेंजेस जब हो गए तो उसको बोला जाता है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, जिसने आगे चल के यूरोप में अलग अलग साइंटिफिक डिस्कवरीज, मतलब तभी जाकर यूरोप में साइंस को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, नहीं तो लोग सिर्फ अंधविश्वास में ही डूबे रहते थे कि ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, वैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, तो मतलब अगर समझो ग्लास टूट गया तो अशुभ हो गया, ऐसा लोगों का दिमाग में माइंडसेट होता था, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो लोगों ने इन सबको इग्नोर किया, सबको बंद कर दिया, बैन कर दिया इन सब जो अंधविश्वास को, और उसके बाद साइंटिफिक डिस्कवरीज यूरोप में होना शुरू हो गई, मतलब साइंस को भी लोगों ने ध्यान दिया, तब जाके लोग साइंस में आगे बढ़ने लगे जब उन लोगों ने अंधविश्वास में से बाहर निकले। ओके, चलिए अभी मैं इसको रीड करके बता देता हूँ। ड्यू टू द चेंजेस ड्यूरिंग द रेनाइजेंस पीरियड यूरोप प्रोसीड फ्रॉम मेडिवल टू द मॉडर्न एज, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड, द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ, the pre-established customs and traditions came to be seen from a critical point of view, all these changes are addressed as intellectual revolution which gave further momentum to scientific discoveries in Europe. Okay, chaliye abhi, okay to main bhi aapko isko english mein read karke, abhi hamara next topic okay to abhi hamara next topic hai one second, revolution in political sphere. abhi हर तरफ रिवॉल्यूशंस ही होते जा रहे थे, किसी बुरी चीज़ या किसी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ लोग स्टैंड लेते जा रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो अर्ली स्टेज में जब यूरोप का मॉडर्न पीरियड शुरू हुआ था, तो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे यूरोप में, मतलब पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, राजनीति, राजनीति मतलब अभी वो टाइम पर क्या राजा महाराजाओं का रूल होता था, तो वो अभी ख़त्म होने की कगार पर आ चुका था, ख़त्म होने पर आ चुका था, और गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई थी यूरोप में, तो इसको पॉलिटिक बोलते हैं, पॉलिटिक्स। ओके, तो अलग अलग रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स होने के वजह से, अलग अलग रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स मतलब लोग स्टैंड लेते जा रहे थे किसी गलत चीज़ के खिलाफ 18th और 19th century में यूरोप में, तो इस पीरियड को लोगों ने नाम ही दे दिया एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, मतलब रिवॉल्यूशंस का समय, जिस समय लोग गलत चीज़ों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो इस पीरियड के चलते बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब आपको मालूम होगा ना कि डेमोक्रेटिक, आपने सुना होगा, मतलब यही पॉलिटिकल वर्ड्स है ना सब, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई थी यूरोप में, इंग्लैंड में। तो वहाँ पर अभी कैबिनेट सिस्टम, देयर वॉज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम। ओके, अब वहाँ पर एक चेंज भी चेंज आ गया था कैबिनेट सिस्टम का। ओके, तो और इंग्लैंड में जितने भी राजा महाराजा रूल कर रहे थे इंग्लैंड पर, उनके हाथों में जितना भी पावर था, जितनी भी शक्ति थी राजा होने के नाते, उसको लिमिट में कर दिया। ओके, बिल ऑफ राइट्स 1689 एक लॉ है इंग्लैंड का, इस लॉ के नाते, इस कानून के नाते, इंग्लैंड में जितने भी राजा थे उनके हाथ में जितनी भी शक्ति थी राजा के अनुसार, उसको कम कर दिया, लिमिट में डाल दिया, और इसके बाद बना दी गई इंग्लैंड में गवर्नमेंट, और पहली बार यूरोप में इंग्लैंड में गवर्नमेंट बना दिया गई। नेक्स्ट मैं भी आपको इसको रीड करके बताता हूँ।
इन द अर्ली स्टेज ऑफ बिगनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप मैनी पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस ड्यू टू द वेरियस रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स ड्यूरिंग 18th एज वेल एज 19th सेंचुरी. दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस. During this period, there was development of parliamentary democracy in England. There was a change in the form of cabinet system. The Bill of Rights, 1689, laid limitations on the power of the king. The sovereignty of a parliament was established. Okay. Next, last topic is video ka. Iske baad main aap logon ko seedha next lecture mein industrial revolution, rise of capitalism, colonialism, imperialism of British East India Company. Sare jo hai na. ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अभी आप नहीं जानते होंगे लेकिन अमेरिका जो देश है जो आज सुपर पावर कहलाया जाता है वो भी अंग्रेज़ों के रूल में था. जिस तरह भारत भी अंग्रेज़ों के रूल में था उसी तरह अमेरिका भी अमेरिका की इंडिपेंडेंस का वॉर जो है वो अभी हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं. ओके. उसने किस तरह अंग्रेज़ों से लड़ाई की, किस किस ने लड़ाई की. ओके. तो चलिए इसको भी समझते हैं. ओके. तो अभी अमेरिका किस तरह लड़ा था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अभी वो पढ़ते हैं हम लोग. अभी तो जब यूरोप में रिवॉल्यूशंस होते ही जा रहे थे, मतलब किसी गलत चीज़ के खिलाफ लोग स्टैंड ले रहे थे. तो अगर हम लोग यूरोप की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को अमेरिका के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है उतना ही. ओके. तो जब डिस्कवरी अमेरिका की गई, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब वो भारत की खोज में निकला था लेकिन उसने गलती से अमेरिका की खोज कर दी थी, तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे उन्होंने अपना ध्यान इस कॉन्टिनेंट की तरफ, इस महाद्वीप पर भी अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया और यूरोपियन कंट्रीज़ ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया अमेरिका के अलग अलग जगहों पर. ओके. और अपनी कॉलोनीज़ बना दी. अभी आपको मालूम होगा अमेरिका में 13 कॉलोनीज़ हैं जो कि इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी. ओके. जो अमेरिका का जो फ्लैग है उस पर 13 लाइंस बनी हुई है, आप जानते होंगे इसके बारे में. तो वो कॉलोनीज़ हैं जो कि ईस्ट कोस्ट, मतलब ईस्ट साइड जो है अमेरिका का, तो वहाँ पर ईस्ट कोस्ट, कोस्ट का मतलब होता है जो कि समुद्र को, कोस्टल एरिया जो कि समुद्र को मुंह दे रही है वो एरिया. ओके. समुद्र की तरफ है. तो ईस्ट कोस्ट की तरफ 13 कॉलोनीज़ इंग्लैंड ने बनाई. ओके. और स्टार्टिंग में इंग्लैंड जो था उस पर अपना दावा करता था कि ये मेरे कॉलोनीज़ हैं. मतलब कॉलोनी मतलब क्या, मेरा इलाका है. ओके. बट धीरे धीरे जब इंग्लिश लोगों ने इंग्लिश पार्लियामेंट में, पहले तो इंग्लैंड में पार्लियामेंट बन गई थी, तो फिर उस पार्लियामेंट में इंग्लिश पार्लियामेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया अमेरिका के लोगों के ऊपर. ओके. जिस तरह इंडिया पर भी इंग्लिश पार्लियामेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू किया था, उसी तरह अमेरिका के लोगों पर भी बहुत टैक्स लगा देता था इंग्लिश पार्लियामेंट. तो जो लोग रहते थे अमेरिका में उन्होंने उसके खिलाफ खड़े हो गए कि इतना ज़्यादा टैक्स तो हम नहीं भर पाएंगे. ओके. लूट लेता था इंग्लैंड. तो इंग्लैंड ये देखने के बाद इंग्लैंड इंग्लैंड ने युद्ध कर लिया अमेरिका के खिलाफ. ओके. अपनी इन कॉलोनीज़ को बचाने के लिए जो कि वो अपने कॉलोनीज़ को दावा करता है, मतलब असल में ये कॉलोनीज़ तो अमेरिका की है लेकिन वो दावा किसका करता है, वो अपनी कॉलोनीज़ का दावा करता है, ये मेरी कॉलोनीज़ है. तो वो लोगों को गुस्सा आ रहा था बहुत कि ये ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारी जगह को अपनी जगह क्यों बोल रहा है. तो उसके खिलाफ इंग्लैंड ने अमेरिका के ऊपर युद्ध आरंभ कर लिया. तो अमेरिकन कॉलोनीज़ को सही तरह से ऑर्गेनाइज करने वाला एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन. आपको मालूम होगा जो कि अमेरिका का राष्ट्रपिता कहलाने वाला था. जिस तरह महात्मा गांधी जी थे उसी तरह अमेरिका को बचाने वाले जो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने अमेरिका को बचाया था और आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने जीत लिया. ओके. और इस इवेंट को कहते हैं अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अमेरिका किस तरह अपनी
इंडिपेंडेंस में इंडिपेंडेंसेस ने जीता अमेरिका ने, ओके, और एक नया देश बन गया जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि अपनी खुद की गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको मालूम होगा जो कि अब हर एक देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं, देश के कानून लिखे हुए होते हैं, लॉज लिखे हुए होते हैं, और सब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न, मतलब सब कुछ उसने खुद बनाया अपना अमेरिका ने, ओके, तो इसको भी मैं रीड करके बताता हूँ। विद द बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, द यूरोपियन कंट्रीज टर्न्ड देयर अटेंशन टुवर्ड्स दिस कॉन्टिनेंट। द इंपीरियलिस्ट यूरोपियन कंट्रीज टुक कंट्रोल ओवर डिफरेंट रीजन्स ऑफ अमेरिका एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज। इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। इनिशियली इन इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दीज कॉलोनीज, बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट लेड ऑपरेसिव रिस्ट्रिक्शंस एंड टैक्सेस ऑन दीज अमेरिकन कॉलोनीज। द पीपल इन अमेरिका रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट। इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर टू सप्रेस दीज कॉलोनीज। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वॉन अगेंस्ट इंग्लैंड। दिस इवेंट इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद द फेडरल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न। ओके, ये पूरा इतिहास है अमेरिका का, ये एक पैराग्राफ में आपको मिल गया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, विच इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अभी फ्रेंच फ्रांस में भी रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि फ्रांस में उस समय, मतलब 1789 में जो फ्रांस के लोग थे वो लोग इसके खिलाफ खड़े हुए, किसके खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वहाँ पर कुछ भी ढंग से रूलिंग नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। फ्रांस कहीं कुछ और था, कहीं कुछ और था, मतलब ऐसे समझ लीजिए, फ्रांस में बिल्कुल भी कुछ ढंग से नहीं चल रहा था, सब तरफ अनइक्वालिटी एंड ऑल, मतलब लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो वहाँ के लोगों ने कुछ इस्टैब्लिश किया, तो वहाँ के लोगों ने इस्टैब्लिश किया अनजस्ट मोनार्ची एंड फेडरलिज्म, इस्टैब्लिश द रिपब्लिक, मतलब कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून सब ऑर्गेनाइज्ड वे में होने चाहिए, ऐसा उन लोगों ने सोचा। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, तीन वैल्यूज़ निकाले। ओके, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव टू द वर्ल्ड, आपने इसके बारे में सुना होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो अमेरिका के लोगों ने तीन वैल्यूज़ निकाले जिसका नाम था, जिसका नाम है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, तो इसके बेस पर फ्रांस में सब कुछ सही ढंग से चलने लगा। ओके, मतलब लोगों ने खुद निकाला ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, समझ में आ गया आपको, सब तरफ इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी होनी चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट एक सेकेंड, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री में पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस के साथ साथ, मतलब पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच ऑफ रिवॉल्यूशन का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है। ओके, मतलब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो किस क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, तो ये लेक्चर मेरा यहीं पे एंड हो जाता है, आपको मिलता हूँ मैं अपने अगले लेक्चर वीडियो में। सो टिल देन, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रितेश जलानी चैनल। और अभी मैं आपको नेक्स्ट, बाकी का जो रिमेनिंग चैप्टर है उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। हाँ, सब्सक्राइब तो करके जाओ ना यार, बाय।